दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को जब एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर ले जाने की कोशिश करते हो, देखिए मैं इस व्हाट्सएप को यहाँ से दबाकर कुछ इस तरीके से ले जाने की जब कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट लिखता है। देखिए मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को जब दबाता हूँ और इस तरीके से स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन लेआउट लॉकेट का ऑप्शन आता है, यानी कि हमारा यह एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है या हम इस एप्लीकेशन को कुछ इधर की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो इधर नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एक एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा है तो उसके लिए आपके फ़ोन में एक सेटिंग करनी होगी। इस सेटिंग को कर लेते हैं तो आपका जो ये प्रॉब्लम है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, होम स्क्रीन लेआउट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे करनी है इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यह प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है कि आपका जो एप्लीकेशन है एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा रहा है, कुछ इस प्रकार से ले जाने पर यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट का प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है होम स्क्रीन। देखिए जो मैं टाइप कर रहा हूँ ध्यान से, होम स्क्रीन लेआउट, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है। देखिए आप लिख दिए होम स्क्रीन लेआउट तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है होम स्क्रीन लेआउट, इसके ऊपर मैं टाइप कर दीजिएगा। जब इसके ऊपर मैं टाइप कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि लॉक होम स्क्रीन लेआउट, यह बटन ऑन हो गया है जिसके कारण यह प्रॉब्लम आ रही है, इस बटन को सिर्फ ऑफ कर दीजिए। ध्यान से देख लीजिए, लॉक होम स्क्रीन लेआउट, यह बटन को सिर्फ बंद कर देना है। बंद करने के बाद में अब देखिए मैं इस एप्लीकेशन को अब जहाँ चाहूँ वहाँ लेकर जा सकता हूँ। देखिए अब यह लेआउट वाली प्रॉब्लम हट गई, मैं इस एप्लीकेशन को इधर भी ले गया, इधर भी ले जा सकता हूँ, कहीं भी जहाँ मर्जी मुझे इस एप्लीकेशन को मैं लेकर जा सकता हूँ। तो यही सेटिंग कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में भी यह प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।